प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होंगे भारतीय मौलाना साजिद रशीदी। और हमने देखा है अक्सर जब भी ये दोनों आमने सामने होते हैं तो आरजू काजमी कोई मौका नहीं छोड़ती मौलाना की टांग खींचने का, और मौलाना कोई मौका नहीं छोड़ते भड़कने का। तो ये वीडियो काफी एंटरटेनिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। किसी भी बुजुर्ग ने, जैसे निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह या ख्वाजा अजमेरी थे, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों ने नहीं कहा कि मेरा मजार बनाना और फिर वहाँ सालाना उर्स लगाना और ये अगर, करना। अगर यही बात होती मौलाना साहब के, किसी मूर्ति के आगे खड़े होकर दुआ पढ़ना जो है वो सही नहीं है और दुआ कबूल नहीं होती, तो ये सारे के सारे काफिर इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं और मुसलमान इतना जलील ख्वार क्यों हो रहा है दुनिया में? कहा मुसलमान जलील ख्वार है, कौन कह रहा है? कहाँ पे अच्छी तरह है बता दीजिए। हर जगह पे जो जो लोग, चाहे वो हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, जो मुस्लिम कंट्री नहीं है वो यकीनन आगे बढ़ रही है, चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो, चाहे वो जो भी कह लीजिए। मुसलमान हर जगह, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अफगानिस्तान का हो, ईरान का हो, सब ख्वार है। आप जिस मुल्क में बैठी है वहां का तो मुसलमान बहुत माला माल है। कौन कह रहा है वहां का मुसलमान कमजोर है? जलील ख्वार कहाँ है? पाकिस्तान की सरकार जलील ख्वार है, क्योंकि अमेरिका के इशारे पे चलती है, वहां की फौज अमेरिका के इशारे पे चलती है, जब चाहे जिसका चाहे तख्ता पलट देती है। तो वहां का तो वहां की सरकार जलील ख्वार है, मुसलमान थोड़े जलील ख्वार है। हिंदुस्तान में भी मुसलमान कहाँ जलील ख्वार है? कहीं भी नहीं है। देखिए, मुसलमान जो जलील ख्वार है वो अपने आमाल की वजह से है, क्योंकि मुसलमान मुसलमान नहीं रहा। मैंने अभी आपने हमने जिक्र किया कि मजारों में जाके हम सजदे करते हैं और मजारों में जाके अल्लाह के अलावा दूसरों से मांगते हैं, तो फिर तो होना हमारा मुकद्दर बन जाएगा ना। जब हम अल्लाह को मांगते हैं तो अल्लाह से मांगे, जब हम अल्लाह से नहीं मांगे तो अल्लाह जलील ख्वार करेगा। मुझे तो खैर आपकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, इसलिए कि जाहिर है कि हर तरह में मुसलमानों को ख्वार होता देख रही हूँ, चाहे वो फलस्तीन के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे हिंदुस्तान के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, कौन आराम से है? सब ऐसे ही, सब इधर उधर से पैसा ही मांग रहे हैं ना, चाहे हुकूमतें मांग रही हो, चाहे आदमी मांग रहे हो। फलस्तीन के मुसलमान जलील ख्वार ने, यही तो चीज समझने की है। मुसलमान अगर जीतता है तो गाजी कहलाता है, मरता है तो शहीद कहलाता है, दोनों चीजें उसके लिए फायदेमंद है। यही चीज तो हमें समझने की है। सारी दुनिया, एक मुल्क आप मुझे ऐसा बताइए जहां फलस्तीन का डंडा झंडा लेकर फलस्तीन के हक में लोगों ने प्रोटेस्ट ना किया हो, बताइए आप। तो कहां से जलील ख्वार हुआ वो? उसके तो हक में खड़े हुए लोग, ये तो हुकूमतें हैं, ये हुकूमतें हैं जो उनको मार रही है, उनको मारा जा रहा है, वो जलील ख्वार थोड़ा ही है, वो तो अपने ईमान पर डटे हुए हैं। ईमान पर डटे होंगे लेकिन बहरहाल वो कहीं ना कहीं जो है, चाहे कहीं का भी मुसलमान हो, मैं उसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रही ना, एजुकेशन में कौन कह रहा आगे बढ़ता हुआ? हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान में दो दो राष्ट्रपति जो है मुसलमान हुए हैं। आप कह रहे हैं जलील ख्वार है मुसलमान? साइंटिस्ट मुसलमान है, इंजीनियर मुसलमान है, MBBS डॉक्टर्स मुसलमान है, बड़े बड़े वकील मुसलमान है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज मुसलमान है, हाई कोर्ट के जज मुसलमान है, कहाँ जलील ख्वार है मुसलमान? वो तो जी हो गए होंगे सारे के सारे। अभी कहाँ पाकिस्तान कब बना है? अच्छा, पाकिस्तान कब बना है? हिंदुस्तान की कंपैरिजन करेंगे, मैं जनरली एक मुस्लिम उम्मा की बात कर रही हूँ, जो मुस्लिम उम्मा मेरी बात है, उसमें सारी कंट्रीज आ जाती है। हिंदुस्तान तो मुस्लिम कंट्री नहीं है ना, अगर वहां पे मुसलमान थोड़ा दो चार अगर आगे बढ़ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल मुसलमान हर जगह अपने आप को विक्टिम दिखाता है, हर जगह अपने आप को मजलूम दिखाता है, हर जगह यही बताता रहता है उसके साथ बड़ा गलत हो रहा है। आपके मुसलमान भी यही तमाशा करते रहते हैं, कभी रोड पे बैठे होंगे तो कभी क्या कर रहे होंगे, उसके बाद कहेंगे जी हमें मारा, पुलिस वाले को कहेंगे जी इसने बहुत गलत किया, ठीक है गलत किया उसने, नहीं मारना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप रोड भी ब्लॉक कर देंगे, आप हर तरह के नारे भी लगाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि जी बड़ा दबा हुआ है मुसलमान हिंदुस्तान का। अच्छा, आप दो बातें कर रही है। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने जो किया वो गलत किया, एक तरफ ये कह रही है कि रोड ब्लॉक कर दिया, दोनों बातें आपने तस्लीम कर ली ना, तो दोनों आदमी गलत है। मैं भी मानता हूँ
जिसने रोड ब्लॉक किया वो भी गलत है, जिस पुलिस वाले ने मारा वो भी गलत है, तो मैं भी तो उसी चीज को मान रहा हूँ। इसमें जलील उखार होने की कौन सी बात हो गई? एक आदमी ने गलती की, पुलिस वाले ने आके मार दिया, पुलिस वाले ने गलती की उसको सस्पेंड कर दिया गया, इंसाफ तो मिल रहा है ना, जलील उखार कहाँ है? मैं आपसे मुस्लिम उम्मा की बात कर रही हूँ, जो सारी दुनिया के मुसलमान मैं हैं मुस्लिम उनकी उम्मा बात की ही बात हो कर रहा रही हूँ। है। किसी भी वो आगे बढ़ते हुए तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, हर जगह कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम ही है, चाहे वो हिंदुस्तान के ही मुसलमान क्यों ना हो। उन्होंने भी अपनी सरकार को एक तरह से तंग ही करके रखा होता है, चाहे आप अवैसी साहब को देख लें, हर दूसरे दिन कोई उल्टी सीधी स्टेटमेंट उनकी आ रही होती है। मगर ये जरूर है कि बहरहाल चाहे तालीम की कमी है या तालीम हासिल करना नहीं चाहते या आगे बढ़ना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ इशू रहा है इनका अगर जो कोई जो समझ में आदमी, नहीं आ रहा। अगर सुनिए, अगर कोई आदमी सरकार को तंग कर रहा है तो वो जलील उखा रहे, वो तो नहीं तो पावरफुल सरकार हुआ, को नहीं, वो वो तो तो पावरफुल बदमाशी हो हो गया। गई ना, बदमाशी हो गई नहीं ना, नहीं बदमाशी हो गई, अच्छा, बदमाशी क्यों हो गई? हमारी सरकार तो नहीं कहती बदमाशी। है सुबह ने वैसे, वो क्या बदमाश है आप कह रहे हैं? वो कैसे कहेगी, सरकार कैसे कहेगी, ये तो मैं देख रही हूँ ना, तो कि आप ये क्यों नहीं कह है रहे कि हैं जो हमारे यहाँ जो जो एक जिसके इम्प्रेशन साथ, दिया सुनिए जाता है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो इम्प्रेशन दिया जाता है हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत पिसा हुआ है, हिंदुस्तान के मुसलमान पे बड़ा जुल्म हो रहा है, मुझे तो हिंदुस्तान का मुसलमान अच्छा खासा बदमाश लगता है। वो जिस तरह से बात नहीं करते हैं नहीं गवर्नमेंट से, जिस तरह से बाहर पाकिस्तान निकल के, के नारे लगाते हैं। सुनिए, पाकिस्तान के जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, वो बेचारे बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं, उन्हें पता नहीं है यहाँ का मुसलमान ना तो पिसा हुआ है, ना यहाँ का मुसलमान जलील ख्वार है, ना यहाँ का मुसलमान बदमाश है, तीनों बातें नहीं है। यहाँ का मुसलमान माशाल्लाह अच्छा खा कमा रहा है, एजुकेशन में भी अच्छा जा रहा है, और यहाँ मुसलमान सरकार के साथ भी तालमेल करके चल रहा है, तो बस फिर इसमें यहाँ तो मान दादागिरी नहीं जाइए है। ना कि मोदी जी का या बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुसलमानों को इतनी स्पेस दी है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो आप कहिए कि जी मोदी जी का इसमें कमाल है, बीजेपी का इसमें कमाल है, नहीं नहीं और हिंदुत्व और ये सब ये चीजें सुन, जो जो बताई जाती है वो बहुत अच्छी है, तारीफ कर दीजिए एक बार मोदी जी ये की, अब वो दोबारा आने वाले हैं। किसी, सुनिए सुनिए, ये किसी सरकार का कमाल नहीं, ये हमारे संविधान का कमाल है। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना अच्छा संविधान देश को दिया है, ये उसका कमाल है कि यहाँ का मुसलमान भी सरकार के खिलाफ बोल सकता है, यहाँ का मुसलमान भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकता है, यहाँ का मुसलमान भी हर जगह खड़े होकर नुक्कड़ पर, चौराहों पर, स्टेजों पर बोल सकता है। ये हमारे संविधान का कमाल है। सरकार तो नहीं चाहती कोई भी, चाहे वो कांग्रेस नहीं की जो सरकार हो, बसपा और समाजवादी की सरकार हो, कोई नहीं दस चाहती कि साल जो मुसलमान या रहे कोई भी। हैं बीजेपी की गवर्नमेंट, जो 10 साल रही है उसमें जिस तरीके से भारत आगे गया है उससे पहले की गवर्नमेंट्स तो नहीं ले जा सकी। हर कितना जगह पे आगे गया है, चंद्रयान पे कितना, चंद्रयान पे चले गए, आप लोगों की इकोनॉमी जो है वो 5th नंबर पे चली गई है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई चंद्रयान है। पे, सुनिए, चंद्रयान पे उससे पहले 7 मरतबा जा चुके हैं हम, 7 मरतबा जा चुके उससे पहले। अच्छा तो अभी क्यों गिना जा ये रहे हैं, कौन सा सात तीर मार मरतबा दिया, कब गए हैं आप? ये कौन सा तीर मार दिया, आप गूगल कर लीजिए, सारा कुछ डिटेल निकल के आ जाएगा आपको। इकोनॉमी आपकी देख लीजिए, इकोनॉमी आपकी कहाँ गई, पहले कहाँ थी और मोदी जी ने कहाँ पहुंचा दी आपकी इकोनॉमी, अब तो 3rd लार्जेस्ट होने जा कहा रही है। नहीं देखिए, आप मुझसे अगर ये चाहेंगी कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार की या पर्टिकुलर पार्टी की तारीफ करूं, तो मैं क्यों नहीं करूं नहीं भाई? मैं मैं ये किसी नहीं पार्टी चाह का नेता रही, तो हूं नहीं, मैं ये नहीं चाह रही, मैं सिर्फ आपसे फैक्ट मैं सुनना किसी चाह रही पार्टी हूँ का कि नेता हुई नहीं, है ना। ना ना ना, देखे ना, पीएम आप मोदी की गवर्नमेंट ने मुझे, चंद्रयान पे मैं पहुंच चूंकि गए, उसके बाद इस्लामी स्कॉलर इकोनॉमी हूं, बेहतर कर ली। आज आप लोग आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को भी जवाब देते हैं, रशिया को भी जवाब देते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट तो जाता है ना मोदी जी की सरकार को, क्या नहीं जाता? अच्छी अच्छी बात है, अगर कर लिया तो अच्छी बात है, अगर कर जी लिया है मैंने तो अच्छी बात अगर कर लिया, अच्छा है ठीक है, इसमें आप कंफर्म नहीं नहीं है अगर कह इसका। रहे हैं। देखिए भाई, मैं कोई किसी पार्टी का सियासी लीडर तो हूं नहीं कि मैं उसकी तनकीद नहीं, करूंगा या तारीफ एक सिटीजन करूंगा, के तौर पर तो मैं आप बता तो सकते हैं ना, सिटीजन के तौर एक पर मैं कह रहा हूं ना कि हिंदुस्तान अगर कर गया तो के अच्छी बात है। अगर कर लिया तो ठीक है। बहुत शुक्रिया मौलाना अच्छी बात साहब है, क्या जा पाए, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया, और उम्मीद मिलते करते हैं कि रहा अब कीजिए, प्रोग्राम बिल्कुल होते रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जय मजा श्री आता है राम बोल आपके साथ दीजिए बात मौलाना करके। साहब, मौलाना साहब एक बार जय श्री राम तो बोल दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं जय श्री राम बोल दूंगा तो क्या काफिर हो जाऊंगा? नहीं है नहीं, नहीं तो तो फिर बोल दीजिए आप ये ना, क्यों कह रही हैं, बोल दीजिए, वो अभी तो ठीक है बोला आपके मैंने।
अभी तो बोला है मैं, क्या बोला है? अभी तो मैंने बोला है कि अगर मैं जय श्री राम बोल दूंगा तो क्या मैं काफिर हो जाऊंगा? अभी तो बोला मैंने, दूसरी बार फिर बोल दिया। जय श्री राम जैसे ग्रीटिंग्स होती है उस तरह बोल दीजिए ना, क्या प्रॉपर क्या होता है? अच्छा सुनिए, प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर क्या होता है? जय श्री राम तो जय श्री राम है, उसको प्रॉपर बताइए मुझे कैसे होता है। चलो आप बता दीजिए फिर मैं वैसे ही बोल दूंगा। जाते जाते बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, जय श्री राम, अस्सलामु अलैकुम, फिर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी के सवाल और मौलाना रशीदी के जवाब आपको काफी एंटरटेनिंग और मजेदार लगे होंगे और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। तो जैसे कि आपने देखा और मैंने कहा था कि आरजू काजमी कोई मौका नहीं छोड़ती मौलाना की टांग खींचने का, तो जैसे कि आरजू काजमी ने कहा काफी तरक्की कर रहे हैं और मुसलमान दुनिया भर में जलील हो रहा है, वैसे मौलाना को गुस्सा आ गया, मिर्ची लगी और मौलाना जी सफाई देने लगे। और उसके बाद जैसे आरजू काजमी ने टांग खींचना शुरू की और कहा कि मोदी जी की तारीफ करो, तो आपने देखा कि मौलाना को एकदम साम सूंघ गया और मौलाना बात को टालता रहा। और दूसरी ओर मौलाना की बात बड़ी जबरदस्त थी कि भारत पहले 7 बार चांद पे जा चुका है, मुझे लगता है मौलाना जी कोई अलग ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ते हैं। और जैसे कि आपने देखा अंत में आरजू काजमी ने काफी ज्यादा मजे लिए और मौलाना की टांग खींची और उनसे जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की, और आपने देखा कि कैसे मौलाना के जवाब रहे और आपने देखा कि कैसे मौलाना इस बात को इग्नोर करते रहे और बात को गोल गोल घुमाते रहे और जलेबी बनाते रहे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।